वेलकम स्टूडेंट्स, हमने अब तक प्रेपोजिशंस ऑफ मोशन का एक वीडियो देखा है। आज हम आपके लिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम में हम समझने के पहले एक सेंटेंस देखते हैं, इससे आपको कुछ पता लगेगा प्रेपोजिशंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। एक ही वर्ड होते हुए भी उसके साथ में अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज में आते हैं। यहां पहला सेंटेंस है, पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेस एट दिवाली। यहां पर लिखा हुआ है लोग अपने घरों की रंगाई पुताई करते हैं दिवाली पर। एक तो ये है, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। अब कई जगह आपने दिवाली के साथ एट भी लिखा देखा होगा, ऑन भी लिखा देखा होगा। ऐसा ही नहीं, कई जगह पर स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन है, वहां एट भी है सेम जगह पर और ऑन भी है, और वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि क्या है वजह, कैसे एक ही जगह पर चार चार प्रेपोजिशन यूज में आ रहे हैं और हर व्यक्ति कंफ्यूजन में ही आपको छोड़कर चला जाता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपका ये कंफ्यूजन दूर करने का पूरा निर्णय लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर दिवाली लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले प्रेपोजिशन एट है। एट क्यों है? क्योंकि दिवाली पर घरों की रंगाई पुताई करते हैं। केवल एक दिन तो सारे ही भारत के लोग रंगाई पुताई नहीं करते हैं। दिवाली का मतलब है अवधि प्रकट करने के लिए, यानी एक 15-20 दिन दशहरे से ही रंगाई पुताई चालू हो जाती है। यानी दिवाली पर, दिवाली का मतलब उस दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन नहीं, पूरे 20 दिन 15 दिन एक महीने तक ये चलता है। तो वो अवधि तो हो गई एट। तो ये रंगाई पुताई का काम, एक दिन आज दिवाली, आज कौन रंगाई पुताई कर रहा है? उस टाइम पीरियड में जो एक महीने का 20 दिन का होता है दिवाली के दिन, तो ये एट दिवाली है। लेकिन जब हम निश्चित दिन की बात करें, निश्चित टाइम की बात करें, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। अब लक्ष्मी माता का पूजन जो किया जाता है वो तो एक निश्चित दिवाली के दिन ही होता है, एक महीने से तो कोई पूजन होता नहीं है। इसलिए निश्चित दिन के लिए यहां पर आपको ऑन प्रेपोजिशन काम में लिया, और ये एट आपको एक टाइम पीरियड बताने के लिए काम में लिया। शायद अब आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि दिवाली के पहले या किसी त्यौहार के पहले जो कि लंबी अवधि तक होता है उसके लिए एट आता है या ऑन आता है। आगे बढ़ते हैं। दिन दिनांक उत्सव, उत्सव यानी फेस्टिवल, वह दिए गए समय पर कार्य समाप्ति के लिए ऑन आता है। फेस्टिवल का मतलब जो फेस्टिवल एक ही दिन का है, जैसे होली एक दिन की है तो होली के दिन आप होली खेलते हैं तो वहां पर आप ऑन काम में ले सकते हैं। ही विल गो टू कोटा ऑन संडे, निश्चित है संडे के दिन जाएगा, तो यहां पर ऑन काम में लिया, यानी पर्टिकुलर संडे को ही जाएगा। We celebrate the Republic Day on 26th of January, यानी 26 जनवरी को ही आपका Republic Day मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 को पिक्स है, इसलिए यहाँ ऑन काम में लिया। He finished his work on time, समय पर उसने उसका कार्य फिनिश किया। दिए गए समय पर कार्य समाप्ति के लिए भी ऑन आता है, यानी जितना टाइम उसको दिया था उस पर उसने अपना कार्य कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। एट, घड़ी का समय, यानी जो टाइम होता है हम बताते हैं 6 PM, 5 o'clock, 7 o'clock, इन सब के साथ एट काम में लिया जाता है। यह आपको भी पता होगा, कॉमन है 8, 6 AM, 6 PM, 8, 5 o'clock। दिन व रात के प्रहर, जो दिन और रात के पार्ट होते हैं, सनसेट सनराइज से लेकर नाइट नून मिडनाइट तक, इनके साथ में एट काम में लिया जाता है। ये ध्यान रहे कि इनके साथ एट काम में लिया जाता है, दिन के प्रहर के साथ में इन भी काम में लिया जाता है। इनके साथ तो एट काम में लेते हैं और दिन के प्रहर के साथ में इन भी काम में लेते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि नाइट नून मिडनाइट ये तीन में एन है, नाइट नून और मिड के बाद नाइट, इनके साथ तो एट आता है, और सनसेट और सनराइज, सूर्योदय सूर्यास्त और रात के और दिन के दोपहर, एन एन एन, नून नाइट मिडनाइट,
ध्यान रखें, इनके साथ एट। जबकि आपको पता है भी हम इन पढ़ेंगे, वहां हम समझेंगे कि इन कहां आता है, आपको पता है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये जितने भी हैं ये सब बाद में इसके बच्चे हुए, इनके साथ इन आता है, अभी इनके साथ इन्हें पढ़ते हैं। महीनों ऋतुओं वर्षों के से पहले, यानी कि इन 2021, यानी किसी वर्ष के पहले, जब हम सन लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, तो ये महीने के पहले इन अप्रैल, इन मई, इन विंटर ऋतुओं यानी सीजन के पहले इन विंटर, इन समर, इन एन आवर, ये हमारे जो आवर होता है घंटे होते हैं उसके पहले, इन अ मंथ एक महीने यानी अवधि में, इन एन आवर, इन अ मंथ इनके पहले, इन टू इयर्स, इन सब के साथ इन काम में हम लेते हैं, विशेष ध्यान में रखें, और इनका प्रयोग हम करते हैं इन द, अभी हमने कहा यहां पर इनके साथ में हमने एट काम में लिया, लेकिन जब हम दिन के प्रहर काम में लेते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इनके अलावा जितने भी बचे उनके साथ हम क्या काम में लेते हैं इन, यहां पर इनके साथ में एट, विशेष ध्यान रखिए, जबकि मॉर्निंग इवनिंग के साथ में हम काम में लेते हैं इन, और इनके साथ में एट। जब घड़ी देखकर समय बताया जाता है तब बाय का यूज होता है, घड़ी के समय में अगर आप घड़ी देखकर समय बता रहे हैं, जैसे 7:00 बाय माय वॉच, यानी मेरी घड़ी में अभी 7 बजे हैं, अगर आप घड़ी देखकर बता रहे हैं बाय, ये यहां पर वॉच, वॉच वर्ड आ रहा है, वॉच वर्ड आ रहा है, और आप बाय का उस जगह आपको यूज करना है क्योंकि आप घड़ी में समय देकर बता रहे हैं। I will see you at 7:00। अब यहां पर समय के साथ 8 भी आया, लेकिन ये फिक्स है कि मैं आपसे 7 बजे मिलूंगा, यहां पर फिक्स है, फिक्स के लिए 8 आता है, और समझ लेते हैं। He will return by 7:00। वो 7 बजे तक लौट आएगा, by यहां भी आया, by का मतलब यहां तक, यानी अबाउट, लगभग 7 बजे के आसपास लौट आएगा, यानी कि एक ही टाइम के साथ कई प्रेपोजिशन है, लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस की जो कंडीशन है उसके ऊपर। अब और समझ लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ निश्चित समय के साथ सिंस आता है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके साथ में सिंस फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन निश्चित समय के साथ में जहां में शो हो रहा है निश्चित टाइम, वहां पर सिंस का यूज किया जाता है, जैसे They have been living here since 2012, यानी 2012 से वो यहाँ रह रहे हैं, निश्चित आ गया, ये 2012 से फिक्स हो गया कि उन्हें रहते हुए इतने साल हो गए। He has been reading a book since morning, सुबह से ही वो एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक निश्चित आपको समय दे दिया, इसलिए सिंस आया। सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, सिंस नाइट, और इवेंट इंसिडेंट हैपन्ड, कोई घटना या दुर्घटना घटे तो ही उसके बाद से ही कोई कार्य प्रारंभ हो गया है, वहां भी सिंस आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा परफेक्ट टेंस के साथ भी ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा परफेक्ट टेंस में भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु, जैसे दे हैवंट टॉक्ड टू एनीवन सिंस द रो, यानी कि समय बिंदु क्या हुआ, जब से रो यानी झगड़ा हुआ उसके बाद से उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, यहाँ पर परफेक्ट टेंस के साथ भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज हमने किया है। मैंने कुछ और आपको यहाँ एग्जांपल्स लिख दिए, जैसे सिंस बर्थ उसके जन्म से, सिंस अप्रैल 15, 2021 यानी कि ईयर आ जाए और निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए तो आपको सिंस यूज में लेना है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। सिंस 8:00, सिंस नाइट यानी कि एक निश्चित समय दे दिया जाता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। अब ए 4, समय सीमा बताने के लिए इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में समय से पहले किया जाता है, यानी कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, समय की अवधि बताते हैं, तो फिर ये आपके समय सीमा बताने के लिए के अर्थ में भी काम में लिया जाता है, जैसे He is going to Mumbai for a week. एक सप्ताह के लिए के अर्थ में, यहाँ पर ये के लिए के अर्थ में काम में आएगी, एक सप्ताह के लिए वो मुंबई जा रहा है। इसके अलावा
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष ध्यान रखें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे हैज बीन वॉचिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टीवी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वह टीवी देख रही है, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कौन से 2 घंटे ये निश्चित नहीं है, बस आपको अवधि दे दी गई है, ये नहीं बताया गया है वो 2 घंटे कौन से हैं। और देखते हैं ही हैज बीन इल फॉर 5 डेज, वो 5 दिन से बीमार है, कौन से 5 दिन वो नहीं बताया आपको, केवल अवधि दी है यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया है। ऐसे फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, कौन से कई दिन, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से, यानी अवधि दी जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम इसकी तरह नहीं दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आपको 4 काम में लेना है। ड्यूरिंग, किसी समय अवधि के दौरान, यानी एक सीमा दे दी जाती है, समय सीमा, उस दौरान जो भी इवेंट, इंसिडेंट, जो भी घटना घटित हुई, उसको ड्यूरिंग के प्रीपोजिशन में हमें लेना है। जैसे आई विश टू विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेरी कश्मीर जाने की योजना है, के दौरान, यानी अब कब जाएगा, जो जितना आपके टाइम पीरियड है समर वेकेशन का, मान लीजिए 45 दिन में से कब जाएगा, उस दौरान जाएगा, यानी एक समय सीमा दे दी, उस दौरान जो घटना घटित होगी उसको हम ड्यूरिंग में काम में लेते हैं। अगला हमने लिया है टिल या अनटिल। अब ये टिल और अनटिल, आप कितना भी बुक्स कंसल्ट कर ले, इनका कंफ्यूजन ज़्यादातर बना ही रहता है, क्योंकि कोई भी इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाया है कि किस जगह टिल या अनटिल, कई जगह दोनों आ सकते हैं, बस यही लिखा होता है दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों आ सकते हैं, एक कहाँ पर आएगा, ये भी तो हमारे समझना जरूरी है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की, समझते हैं। द स्टूडेंट्स वेटेड टिल द टीचर केम, विद्यार्थियों ने इंतजार किया जब तक टीचर आए, यानी टीचर के आने तक, टिल लगा दिया, सही है, ठीक है। नंबर दूसरा हमने लिखा सेम सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वेटेड अंटिल द टीचर केम, विद्यार्थियों ने इंतजार किया जब तक टीचर नहीं आ गए, सही है, वास्तव में दोनों सही है। फिर दोनों सही है तो फिर दोनों की क्या जरूरत है, जब एग्जाम में आएगा वहां तो हमें एक लिख कर आना है, दोनों सही है क्या, वहां भी 2 ही लिख के आएंगे, क्या दोनों सही मान लिए जाएंगे, आइए देखते हैं। वास्तव में कई सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर दोनों ही आ सकते हैं, और दोनों में से एक हमने अगर वहां पर फिल किया तो वो सही माना जाएगा। लेकिन कई सेंटेंसेज ऐसे हैं जो कि अपने आप अपने अर्थ से ही टिल या अनटिल की डिमांड कर लेंगे, समझते हैं। ये एक सेंटेंस लिखा है, ही विल नॉट मैरी अनटिल हिज एल्डर ब्रदर गेट्स मैरिड। अब यहां पर एक तरीके से कंडीशन आ गई तो अपने आप जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वैसा नहीं होगा, अपने आप अनटिल जब तक नहीं निकल रहा है, तो यहां पर आप चाहकर भी आप टिल नहीं भरेंगे, आप टिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको अर्थ वहां पर आपका अर्थ ही क्लियर नहीं हो रहा है। ही विल नॉट मैरी, वो शादी नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा, हिज एल्डर ब्रदर गेट्स मैरिड, जब तक उसके बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती है, जब तक नहीं होता है ऐसा, अनटिल जब तक ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहां पर अपने आप अनटिल आया। इस प्रकार के सेंटेंसेज हम आपको टेस्ट में भी देंगे। आई वॉच द मूवी टिल द एंड, मूवी को अंत तक देखता हूं, या अगर यहां पर हम वॉच के ईडी लगा दे तो वॉच्ड हो जाएगा, मैंने मूवी को अंत तक देखा, ये टिल आ गया, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन जहां पर आ जाती है वहां पर ऑटोमेटिकली अनटिल की डिमांड सेंटेंस कर लेगा, हम टेस्ट में और समझेंगे इनको। थ्रू, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ टाइम, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक, थ्रू, जैसे हमने जंगल में से वो पढ़ा था, प्रीपोजिशंस ऑफ हमने मोशन में पढ़ा था, यहां पर गुजरना, लेकिन यहां पर टाइम में क्या है, शुरुआत से लेकर अंत तक। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था, बट ही वर्कड थ्रू द डे, डे पूरे दिन, यानी सुबह से लेकर शाम तक, तो थ्रू का मतलब यहां पर हो गया टू द एंड ऑफ द टाइम, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर, यह विशेष ध्यान रखिए।
विद इन समयावधि, विद इन यानी के अंदर अंदर किसी को हम अगर एक वार्निंग दे देते हैं कि इतने घंटे में काम होना चाहिए, इतने दिन में पैसे लौटा देना, विद इन यानी एक टाइम पीरियड दे दिया उसको, जैसे डू इट विद इन एन आवर, एक घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, विद इन यानी के अंदर अंदर, रिटर्न माई मनी विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर मेरे पैसे लौटा देना, फ्रॉम से टू तक, आपको पता है फ्रॉम टू का बिगिनिंग से जहां तक कार्य होता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमें पता है सुबह से लेकर शाम तक तो फ्रॉम लगाते, कहीं आते जाते भी है तो फ्रॉम टू से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक, फ्रॉम टू का मतलब से तक, फ्रॉम 10 AM 10 बजे से टू 5 PM 5 बजे तक, बिफोर आफ्टर को भी आप अच्छे से जानते, समय से पहले और समय बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, जैसे अप्रैल कम्स बिफोर मई, बिफोर का मतलब पहले होता है, अप्रैल मई से पहले आता है, और मई कम्स आफ्टर अप्रैल, और मई अप्रैल के बाद आता है, यानी बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। अब हम आपको इसकी सेंटेंस दे रहे हैं, उन्हें आप जरूर सॉल्व करें और अपने स्कोर को मैच करें, इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, देखिए आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर कमी होगी तो हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे। आइए देखते हैं सेंटेंसेस, आप इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और इन्हें जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप को जरूर परखें, इनके आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन प्लीज आप पहले इन्हें सॉल्व करें और बाद में आप अपना स्कोर मैच करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना स्कोर भी लिखें, हम और मेहनत करेंगे और आप लोगों को इनमें जरूर परफेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, थैंक यू।